हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्राइवेट स्कूल में कितनी मतलब सैलरी दी जाती है, इतनी कम सैलरी में कोई टीचर कैसे गुजारा कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब इसके बाद उस वीडियो पे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे कि कुछ ऐसे रूल्स बताए जाएं कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए मिनिमम, और टीचर के लिए क्या रूल होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स में शोषण किया जाता है टीचर्स का। मैं सभी का नहीं बोल रहा लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे मामले सामने आए कि टीचर को 20,000 सैलरी दी गई लेकिन 10,000 उस जैसे अकाउंट में डाल दी गई, 20,000 10,000 वापिस ले ली गई। इसके बाद उस टीचर से मतलब ज़्यादा सैलरी पे साइन कराए गए और उसे कम दी गई। इसके बाद कुछ ऐसे बहुत सारे मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए कम से कम, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि अभी यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, यूपी के अंदर 15,000 सैलरी का एक मामला है कि गवर्नमेंट उसे पास करने वाली कि 15,000 सैलरी प्राइवेट टीचर के लिए कम से कम होनी चाहिए। अभी इसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली में आपको पता है मिनिमम वेजेस 14,000 के अराउंड है। हरियाणा की हम बात करें तो लगभग 9,500 के लगभग 10,000 के लगभग मिनिमम वेजेस है। तो हम कम से कम मान के चलते हैं कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि 4-5,000 रुपये में एक टीचर को काम करना पड़ता है, तो सैलरी ऑफ टीचर्स मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम हम मान के चलें जो लेबर वेजेज है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं, हालांकि एक जो शिक्षक होता है वो स्किल के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तो 9,000 के लगभग कम से कम एक शिक्षक को सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे पढ़ा रहा है। और अगर इससे कम मिलती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, आप उस स्कूल के खिलाफ केस कर सकते हैं। और इसके बाद मान के चलो एक शिक्षक 1 साल से पढ़ा रहा है और उसे मतलब 4,000 के हिसाब से सैलरी दी गई, तो उसके 5,000 रुपये बचे तो उसके 60,000 रुपये हो गए, 12×5=60। 60 के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग के उस शिक्षक को सैलरी देनी पड़ेगी स्कूल वालों को। ये तो बात हो गई सैलरी की। इसके बाद बात आती कि फिक्स वर्किंग आवर्स, और ये यानी कि सिर्फ 9,000 रुपये मिलेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या इसके बाद जो स्कूल लेवल है उसके अकॉर्डिंग 30,000-50,000 कितने भी सैलरी मिल सकती है फिक्स वर्किंग आवर्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा ली, हालांकि अगर शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्कूल वाले उसे रोक रहे हैं कि आपको रुकना है तो कानूनी तौर पे वो एक्स्ट्रा सैलरी लेने का हकदार है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूलों में वर्किंग आवर्स होते हैं, जो स्कूल की टाइमिंग होती है, जैसे 8 से 2 हो गया, 9 से 3 हो गया, 3:30 हो गया, इस हिसाब से जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो उस स्कूल में भी होने चाहिए। और अगर उसे ज़्यादा रोका जाता है तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। इसके बाद जून जुलाई में जो समर वैकेशन होती हैं, तो काफ़ी ऐसे स्कूल होते हैं जो बोलते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या तो सैलरी देते ही नहीं है जून जुलाई की, जो समर वैकेशन होती हैं जून में, जैसे समर वैकेशन हो गई या मतलब काफ़ी दिन स्कूल ओपन नहीं होता, या दिसंबर में भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो उस टाइम सैलरी दी नहीं जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सैलरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो बच्चों से भी फीस ली जाती है और बच्चों को भी फीस देनी पड़ेगी। ध्यान रखें, बच्चों की जो फीस है जून जुलाई जो भी छुट्टियां होती है तो उस टाइम देनी होगी। तो ऐसे में जो शिक्षक है उसे भी सैलरी मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं, 3,000 सैलरी मिल रही है, 4,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाते हैं, 1 महीने की सैलरी एडवांस में रख ली जाती है। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं कम सैलरी में, अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वो रख रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप पर कुछ पेनल्टी लग सकती है। जैसे आप जानते हैं कि KVS वगैरह जो स्कूल होते हैं इनमें होता है कि अगर आप छोड़ के आते हैं तो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये ऐसे कोई बार बना दिया जाता है रूल। तो ऐसे रूल हो सकते हैं, वैसे नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन के अगर टीचर है उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई शिक्षक है उसे बिना इन्फॉर्मेशन के, ये नहीं कि कोई शिक्षक है एक दिन मतलब जैसे स्कूल में गया और तभी उससे बोल दिया कि आप अगले दिन से नहीं आएंगे, तो ऐसे उसमें भी शिक्षक केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि उस स्कूल की वजह से उसने कहीं और पे जॉब नहीं देखी हो, तो ऐसे किसी शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी का भी एक टाइम होता है, उस टाइम पर सैलरी आनी चाहिए।
इसके बाद कम से कम एक दिन का स्कूल के अंदर रेस्ट मिलना चाहिए, मतलब एक छुट्टी मिलनी चाहिए स्कूल में। तो ऐसे उसमें अगर शिक्षक मतलब छुट्टी ले लेता है तो एक छुट्टी के उसके जो चार्ज है वो नहीं कटेंगे, पैसे नहीं कटेंगे। और अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज पे शिक्षक को स्कूल में बुलाया जाता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, जो जैसे आपको पता है कुछ जयंतीज होती हैं या कुछ भी ऐसे अपने फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल्स या कुछ भी वो सभी शिक्षक शिक्षण जो संस्थान हैं उनके लिए मान्य होते हैं। क्योंकि वो चीज़ें इसलिए होती हैं कि एक रिस्पेक्ट के लिए, या जैसे मान के चलो दिवाली है, दिवाली की छुट्टी है वो सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म से कैसे भी है, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट के लिए कि हमें उस फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे धर्म के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे उसमें अगर छुट्टी मतलब अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल से उनको ओपन किया जाता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे में अगर शिक्षक नहीं जाता है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जा सकती। और मतलब ये इस टाइप के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूँ। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।